और फाइनली हमेशा ऐसा एहसास होता था कि खुद का एक आशियाना होना चाहिए, और मैंने कभी वैसे सोचा नहीं था कि बैंगलोर में मेरा खुद का घर होगा, और फाइनली मैंने अपना ड्रीम होम तैयार कर लिया है, और वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बहुत मेहनत से और बहुत सपने से मैंने इस घर को सजाया है, और आप लोग इसे जरूर देखिएगा। चलिए मैं आपको सैर कराता हूँ मेरे घर की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो घर है वो सपना पूरा कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेदांतु, और थैंक यू सो मच वेदांतु एंड आनंद सर, बंसी सर, तुलसी सर, जिनकी वजह से मेरा सपना पूरा हो रहा है आज, हो चुका है, और अब मैं आपको सैर करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डोर से एंट्रेंस। मुझे पहले अंदाजा ही नहीं था कि फॉयर एरिया क्या होता है। फाइनली जब होम लेन में डिजाइनिंग पार्ट आ रहा था, तो एंट्री पार्ट को हमें बताया कि दिस इज अ फॉयर एरिया जो हमें डिजाइन करना है। तो हमें बहुत सारे डिजाइन दिखाए, जिसमें हमें डिजाइन बहुत ही शूटिंग लगा, उसके बाद हमने इसको डिजाइन किया। सो जितना भी नीचे दिख रहा है, दिस इज डिजाइन बाय होम लेन ओनली, एंड दिस मिरर, ये जो डिजाइनिंग है बेसिकली मिरर डिजाइनिंग, दैट इज डन बाय अनिल एंड कंपनी। सो बेसिकली यहाँ पर कारपेंट्री वर्क है बहुत ही खूबसूरत, और उसके बाद बुद्धा जी हमने यहाँ पर विराजमान किया है, और बेसिकली बुद्धा जी हमने लिया था होम सेंटर से। सो यू नो बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है, और हमें मतलब हम चाहते हैं कि कोई भी अंदर आए तो एक यू नो पॉजिटिव एनर्जी के साथ अंदर आए, जिससे बहुत अच्छा फील हो। तो इसलिए हमने बुद्धा जी से अच्छा मतलब पीस का कोई सिंबल हो नहीं सकता। बाकी वुड का काम है, ये वुड का जितना भी काम किया वो अनिल एंड कंपनी ने किया है, और पीछे जो दिख रहा है आपको वो हमने होम लेन से करवाया है। बेसिकली कई लोगों को ऐसा फील होता है कि होम लेन क्या है। होम लेन तो आपके पास अगर समय नहीं है और आपको चाहिए एक बहुत ही लविश, एक बहुत अच्छा फ्लैट, आप उसको इंटीरियर डिजाइन कराना चाहते हैं, इनफैक्ट जरूरी नहीं है कि लविश हो, अगर आप लोगों के बजट के हिसाब से भी अगर आप उसको डिजाइन करवाना चाहते हैं तो होमलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे बहुत सेफ है उनका जो डिजाइन है, 3D डिजाइन आपको एक अलग से आपके बजट के हिसाब से वो साथ देने के लिए, और एक स्पेशल पर्सन है जिसको मेंशन किए बिना शायद लिस्ट कभी पूरी नहीं होगी। सो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वो स्पेशल पर्सन कौन है, वो मिस्ट्री पर्सन को आपको मैं जल्दी मिलवाऊंगा। सो अगेन आप लोगों को ये घर कैसा लगा, इसका इंटीरियर कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताइएगा चैट सेक्शन में। और इसके अलावा आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि इस पूरे घर में कौन सा कॉर्नर आपको बहुत ही खूबसूरत लगा, मेरा कौन सा इस घर का एरिया आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग लगा, चैट सेक्शन में लिखिएगा। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप जब अपना एक ड्रीम होम बनाएंगे तो इनमें से कौन सा एरिया आप चाहेंगे कि आपके ब्यूटीफुल घर में भी हो।